थ्योरम क्या बोलता है कि हम किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को, कॉम्प्लेक्स सर्किट को, हम एक सिंपल सर्किट में बदल सकते हैं, एक वोल्टेज सोर्स एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक, जिससे कि हम वो सर्किट काफ़ी सिंपल होगा करंट और वोल्टेज निकालने के लिए। ठीक, तो देखिए जैसे ये सर्किट दिया हुआ है, ये कितना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, इसमें दो वोल्टेज सोर्स है, एक दो तीन चार रेजिस्टेंस है, पाँच रेजिस्टेंस है। ठीक, तो मान लीजिए अगर हमें इसमें करंट निकालना है आई इस लोड, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कौन सा रेजिस्टेंस है, ये वाला है। ठीक, ये लोड रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस हमें करंट निकालना है। तो थेवेनिन सर्किट बोलता है ये हमारा लोड रेजिस्टेंस है, ये वाला जो बॉक्स होगा इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉक्स। ठीक, इस ब्लैक बॉक्स में क्या है, वोल्टेज सोर्स है और रेजिस्टेंस है कि नहीं। तो हम ये जितने इसमें जितने वोल्टेज सोर्स है, हम इसको एक वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, वी टी एच, उसको हम बोलते हैं वी टी एच। ठीक, और जितने भी रेजिस्टेंस है उसका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करके हम उसको एक रेजिस्टेंस में बदल सकते हैं, आर टी एच। ठीक, तो हमने मैंने क्या बोला, जितने भी वोल्टेज सोर्स हैं उसको हम एक वोल्टेज सोर्स में बदल सकते हैं, उसको बोलते हैं वी टी एच, और इसमें जितने भी रेजिस्टेंस है, ठीक, उसको हम एक रेजिस्टेंस में बदल सकते हैं जिसको बोलते हैं आर टी एच। ठीक, तो देखिए फिर से हम आ गए ए और बी टर्मिनल सेम आ गए। तो देखिए इधर वाला जो ब्लैक बॉक्स था, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट था, हमने कितना सिंपल सर्किट बदल दिया, एक रेजिस्टेंस और एक वोल्टेज सोर्स बदल दिया। ठीक, अब यहां पे क्या जुड़ा हुआ है, आरएल जुड़ा हुआ है, जोड़ दीजिए आरएल। अगर हम लोग सक्सेसफुल्ली ऐसा सर्किट कन्वर्ट कर लिए तो इसमें करंट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या करंट होगा, ये करंट आई कितना होगा, कितना सिंपल हो गया, वी टी एच बाई आर टी एच प्लस आरएल। तो हमारा टास्क इसमें यही है कि VTH और RTH कैसे कैलकुलेट करते हैं, यही इस लेक्चर में हमें पढ़ना है। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको एक और नाम से बोलते हैं इस वोल्टेज को, इसको हम ओपन सर्किट वोल्टेज भी इसको बोलते हैं। ठीक, इसके बारे में बात करेंगे, RTH और VTH के बारे में, इसको हम बोलते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज बोलते हैं। ठीक, तो VTH होता है, VTH हम कैलकुलेट करते हैं, हम क्या करते हैं लोड ओपन सर्किट कर देते हैं, जो लोड होता है उसको हम हटा देते हैं। फिर हटाने के बाद जो वोल्टेज यहाँ पे आया VAB, इसको हम क्या बोलते हैं VTH। ठीक, आप इस वोल्टेज को निकालने के लिए आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम, नोडल एनालिसिस, मेश एनालिसिस, जो मर्जी आपको, जिस मेथड जो मेथड आपको अच्छा लगे वो मेथड यूज करके आपको ये वोल्टेज निकालना होगा VAB। ठीक, तो आपको पता चल गया वी थेवेनिन क्या होता है या ओपन सर्किट वोल्टेज क्या होता है, वो पता चल गया। लोड को हटाइए, उसके अक्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट करिए, उसी को बोलते हैं वी थेवेनिन। अब आरटीएच क्या होता है, आरटीएच देखिए क्या होता है, आरटीएच में भी लोड को हटा देंगे। ठीक, आरटीएच को अब जब हम यहां से देखेंगे, ठीक, आरटीएच कैलकुलेट करने के लिए हम लोड को हटा देते हैं, इसके बाद लोड हटाने के बाद जो वोल्टेज सोर्स होते हैं उसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, अगर करंट सोर्स होगा तो उसको ओपन सर्किट कर देंगे। ठीक, तो यहां पे वोल्टेज सोर्स है तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा, ये भी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक, अब शॉर्ट सर्किट कर दिया हमने, अब यहां से हम देखेंगे तो यहां से आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे, जो ये रेजिस्टेंस है इसका आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे, तो ये क्या होगा, ये दोनों पैरेलल में है, आर वन पैरेलल आर टू। ठीक, R1 पैरेलल R2, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, ये क्या हो गया R1 पैरेलल R2, अब ये इसके सीरीज में है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, R1 पैरेलल R2 प्लस R3। ठीक, तो ये क्या बन गया, प्लस R3। अब क्या है, ये किसके पैरेलल में है, R1 पैरेलल R2 प्लस R3, ये है, ये किसके साथ पैरेलल में है, R4 के। तो ये हमारा क्या हो गया, RTH, ठीक ना, इसी को हम बोलते हैं RTH। प्रोसेस क्या होता है, हम लोड रेजिस्टेंस को हटाते हैं, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करते हैं, या करंट सोर्स होगा तो उसको ओपन सर्किट करेंगे, फिर हम R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते हैं, उसी को हम RTH बोलते हैं। ठीक, तो अब इसको और अच्छे से और क्लियरिटी के लिए हम दो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसको देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, उसको देखिएगा आपका सब। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन ये है, 42 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है और 3 एम्पीयर का करंट सोर्स है। ओके, ये एक और वोल्टेज सोर्स है 30 वोल्ट का, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 8 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक,
ठीक, और ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है। क्वेश्चन ये है कि इस 6 ओम रेजिस्टेंस में हमें कैलकुलेट करंट कैलकुलेट करना है, ठीक, यूजिंग थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। ओके, हम और भी कोई मेथड से कर सकते हैं, नोडल एनालिसिस, सुपरपोजिशन थ्योरम, एनी मेथड यू, लेकिन इसमें थेवेनिन थ्योरम से हमको इसमें करंट कैलकुलेट करना है। ठीक, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक थेवेनिन थ्योरम के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, ऐसा सर्किट, सॉरी, एक वोल्टेज सोर्स VTH कैलकुलेट करना पड़ेगा और RTH। ठीक, तो ये यहां पर लोड रेजिस्टेंस क्या होगा, लोड 6 ओम, क्योंकि इसके क्रॉस में करंट कैलकुलेट करना है, तो ये हमारा लोड रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो यहां पे RL की वैल्यू क्या होगी, 6 ओम। ठीक, तो हमारा टास्क क्या है, VTH और RTH कैलकुलेट करना। VTH को हम क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट वोल्टेज। ठीक, तो चलिए पहला प्रोसेसर क्या होता है VTH कैलकुलेट करने के लिए, VTH कैलकुलेट करने के लिए पहला प्रोसेसर क्या होता है, हम क्या करते हैं, इसको ओपन सर्किट कर देते हैं। तो चलिए ओपन सर्किट कर देते हैं, इसको मैंने ओपन कर लिया है कि नहीं, इसको मैंने ए माना, इसको बी माना, ठीक ठीक ना। तो हमें इस, ये कितना है 42 वोल्ट, ये 30 वोल्ट, ये 2, ये 3 है। तो हमारा VTH क्या है, VTH is equals to VAB है कि नहीं, इसके इन दोनों पॉइंट के बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस है VAB, यही हमें कैलकुलेट करना है, यही VTH है। ठीक, तो चलिए एक बार बताइए, यहां से अगर करंट फ्लो करेगा I, ठीक, यहां से करंट I फ्लो करेगा, तो इधर तो जाएगा नहीं इस साइड, क्योंकि इधर अगर जाएगा तो रिटर्न कहां से करेगा, ये तो ओपन है, रिटर्न आ नहीं सकता, रिटर्निंग पाथ है नहीं, तो यहां से करंट जीरो होगा, यहां से कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, जो भी करंट यहां से फ्लो होगा सारा का सारा यहीं से फ्लो करेगा। ठीक, तो चलिए केवीएल लगाइए, ये 8 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 4 ओम का, ठीक, केवीएल लगाइए, माइनस टू प्लस जा रहे हैं, तो 42 प्लस, ये प्लस टू माइनस जा रहे हैं, ठीक ठीक, ये प्लस माइनस है कि नहीं, करंट इधर फ्लो कर रहा है, ये प्लस माइनस, तो प्लस टू माइनस गया तो माइनस क्या हो जाएगा, 8i, ये भी प्लस टू माइनस, माइनस 4i, प्लस टू माइनस जा रहा है, माइनस 30 इज इक्वल टू जीरो, केबल हमने लगा दिया। अब 42 माइनस 30 कितना होगा, 12 है कि नहीं, ये कितना हो जाएगा, 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 12i, तो i की वैल्यू कितनी आ गई, 1 एम्पियर। तो यहां से वी, यहां पे वोल्टेज कितना होगा, ये VA कितना होगा बताइए, VA कितना होगा, तो यहां पे मैंने रेफरेंस माना, ठीक, रेफरेंस, इसका रेफरेंस का वोल्टेज कितना होगा, V इज इक्वल टू जीरो, मतलब इस पॉइंट पे यहां तक पूरा जितना भी एरिया है यहां तक सब वोल्टेज जीरो हो गया। ठीक, यहां जीरो है, अब आप माइनस टू प्लस जा रहे हैं, जीरो टू माइनस टू प्लस जा रहे हैं, ठीक, यहां पे जीरो है, फिर माइनस टू प्लस गए, कितना गए, प्लस 30, तो यहां पे कितना वोल्टेज है, 30, ठीक, फिर आप माइनस टू प्लस गए, तो 30 प्लस, यहां पे कितना है, 30 वोल्ट है, फिर माइनस टू प्लस गए, माइनस टू प्लस कितना होगा, 4i, 4i है कि नहीं, इज इक्वल्स टू क्या है, VA, जीरो से गए, जीरो प्लस कितना हो गया, 30, क्योंकि माइनस टू प्लस गए, फिर माइनस टू प्लस गए, माइनस टू प्लस कितना गए, 4i, ठीक, तो 30 प्लस 4i गए, तो यहां पे क्या मिला हमें, VA मिला। ठीक, तो VA की वैल्यू कितनी आ गई, 30 प्लस 4 इंटू 1, करंट कितना है, 1 है, तो VA की वैल्यू आ गई 34 वोल्ट। ठीक, सिमिलरली VB हमें निकालना है, VB कितना होगा, ये 3 एम्पीयर जब करंट फ्लो करेगा तो यहां से सारा चला जाएगा, क्योंकि इधर फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि रिटर्निंग पाथ नहीं है, तो यहां करंट कितना फ्लो कर रहा है, 3 एम्पीयर। ठीक, तो यहां पे तो जीरो है, ठीक, हमें इसका वोल्टेज निकालना है, यहां पे कितना होगा, ठीक, तो करंट इधर फ्लो कर रहा है, प्लस माइनस ऐसे होगा, जीरो से जाएंगे माइनस टू प्लस, जीरो माइनस टू प्लस गए, कितना, 2i, 2 इंटू 3 है कि नहीं, यहां करंट कितना है, 3 एम्पीयर है, माइनस टू प्लस गए, तो हमें क्या मिला, VB मिला, तो VB कितना हो गया, 6 वोल्ट। तो हमारे पास VA भी आ गया, VA कितना, 30 वोल्ट, VB कितना है हमारा, 6 वोल्ट। ठीक, तो VAB क्या होगा,
वी ए भी हमारा क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी, ये कितना हो जाएगा 34 माइनस 6, कितना होगा 28 वोल्ट। तो हमारा वी टी एच कैलकुलेट हो गया, वी ए बी ये क्या है वी टी एच, तुम्हारा पहला टास्क कंप्लीट हो गया, वी टी एच हमने निकाल लिया, कितना आ गया हमारा यहाँ पर लिख लीजिए वी टी एच इज इक्वल टू 28 वोल्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट, अब इसको मिटा देते हैं। अब हमारा टास्क क्या है, आर टी एच कैलकुलेट करना। आर टी एच क्या करते हैं, इसको ओपन कर देते हैं ओपन सर्किट, और जितने वोल्टेज सोर्स हैं उसको शॉर्ट कर देते हैं, करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर देते हैं। ठीक, चलिए ये 8 ओम रेजिस्टेंस है, ये शॉर्ट हो जाएगा, ये कितना था 4 ओम रेजिस्टेंस था, ये शॉर्ट हो जाएगा और ये ओपन रहेगा। ठीक, सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, है कि नहीं, ये 2 ओम रेजिस्टेंस है। ठीक, तो हमको जब यहां से हम देखेंगे मतलब इस टर्मिनल पे कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, तो आप इस ये होगा आपका आर टी एच। ठीक, अब आर टी एच कैलकुलेट कर लीजिए। अब ये क्या है, ये पैरेलल में है कि नहीं, इसको आप ऐसे बनाइए, इसको ऐसे बना दीजिए सिंपल तरीके से, आपको लग दिखने लगेगा पैरेलल। ठीक, ये कितना था 8, तो ये दोनों पैरेलल में है और इसके साथ सीरीज में, तो 8 into 4 डिवाइड बाई 12, 4 3 12 यानी 8 by 3 ओम। ठीक, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या आएगा, 8 by 3। ठीक, आपका कितना आ गया 8 by 3 ओम, ये क्या है सीरीज में है 2 और 8 by 3, तो आपका आर टी एच कितना आ गया 8 by 3 plus 2, कितना आ गया 8 plus 6 by 3 14 divided by 6, ठीक ओम। तो आपका वी टी एच भी आ गया, आर टी एच भी आ गया। ठीक ठीक, तो आर टी एच कितना है 14 divided by 6 ओम। ठीक, चलिए अब हमारा टास्क कंप्लीट हो गया। अब आपका थ्योरिन इक्विवेलेंट सर्किट बना दीजिए। थ्योरिन इक्विवेलेंट सर्किट क्या करता है, एक वोल्टेज सोर्स कर कैरी करता है और एक रेजिस्टेंस होता है आरटीएच, इसका वैल्यू कितनी है 14 by 6, वीटीएच की वैल्यू कितनी है 28। हमें किसके क्रॉस करंट निकालना था, लोड आरएल, इसके वैल्यू कितनी थी 6 ओम। ठीक, इसके क्रॉस निकालना था, अब निकाल लीजिए करंट कितना फ्लो हो रहा है इसके क्रॉस 28 वी बाई आर टी एच प्लस 6, तो 14 by 6 क्या होगा 14 divided by 6, सॉरी आर टी एच की वैल्यू कितनी आई थी 14 by 3 आई थी, है कि नहीं 14 by 3 थी। ठीक, क्योंकि देखिए 4 8 plus 4 ये पैरेलल में था, 8 into 4 divided by 12, 4 3 12, 8 by 3 plus 2, 8 plus 3 6 divided by 3, कितना 14 by 3। ठीक, मैंने गलत नोट कर लिया था, ठीक ना 14 by 3। तो आपका करंट कितना होगा, I इज इक्वल्स टू हो गया 28 divided by 14 divided by 3, ये आपका कितना होगा 14 divided by 3, 4.66। ओके, तो 4.66 plus 6, ये कितना आ गया 28 divided by 10.66, कैलकुलेट कर लीजिए कैलकुलेटर से। आपका आंसर आ गया 2.626 एम्पियर। ठीक, अगर मान लीजिए मैंने लोड रेजिस्टेंस चेंज कर दिया, लोड रेजिस्टेंस 2 ओम कर दिया, तो यहां पे आप क्या कर देंगे 2 ओम, है कि नहीं। तो आप थेवेनिन सर्किट का यही एडवांटेज है,
आप लोड को चेंज करते रहिए, लोड पे डिपेंड नहीं करता आरटीएच, ठीक ना। आरटीएच और वीटीएच लोड पे चेंज नहीं, डिपेंड नहीं करता, ये इंडिपेंडेंट ऑफ लोड होता है। आप बस लोड चेंज करते रहिए, करंट निकालते रहिए जो मन चाहे करंट। लेकिन यही चीज़ आप नोडल एनालिसिस में और मैश एनालिसिस में इतना आसानी से नहीं करते। एक बार लोड रेजिस्टेंस चेंज कर देंगे तो आपको फिर से प्रोसेस को रिपीट करना पड़ेगा, है कि नहीं। इसलिए यहाँ पे थेवेनिन और नॉर्टन बॉस है, ठीक। चलिए एक और न्यूमेरिकल करते हैं, ये थोड़ा और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसको जरूर देखिएगा। तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ए बॉक्स, द बॉक्स शोन इन द फिगर कंसिस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट डीसी सोर्सेस, ठीक, सोर्सेस एंड रेजिस्टेंसेस, ठीक। ये जो बॉक्स दिया हुआ है इसमें बहुत सारे वोल्टेज सोर्स हैं, डीसी वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टेंस है, ठीक। बहुत कॉम्प्लिकेटेड कोई सर्किट है, ठीक, इस बॉक्स के अंदर जो कि शोन दिखाया नहीं हुआ है। मेजरमेंट आर टेकन बाय कनेक्टिंग एंड एमिटर इन सीरीज विद द रेजिस्टेंस आर एंड रिजल्ट आर शोन। क्या है कि एक सीरीज में यहाँ पे, लेट्स से यहाँ पे एक एमिटर लगा हुआ है, ठीक, सीरीज में, ठीक ना। क्या यहाँ पे मेजरमेंट यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है कि अगर 10 ओम का यहाँ रेजिस्टेंस अगर है, 10 ओम का अगर यहाँ रेजिस्टेंस लगाया है तो करंट की वैल्यू कितनी है, 2 एम्पीयर। अगर यहाँ पे 20 ओम का ही रेजिस्टेंस है तो एमीटर क्या नोट कर रहा है, 1.5 एम्पीयर, ठीक। तो क्वेश्चन पूछा है जब एमीटर रीड करेगा 0.6 एम्पीयर तो यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस लगा होगा, ठीक। तो ये जो है थेवेनिन थ्योरम का एप्लीकेशन है, ठीक, इसमें थेवेनिन थ्योरम लगाएंगे। तो देखिए सर्किट चाहे जैसा भी हो हमको ये पता है कि हम उसको RTH और एक चाहे जितने भी इसके अंदर रेजिस्टेंस हो हम उसको एक रेजिस्टेंस के में चेंज कर सकते हैं, और इसके अंदर जितने भी वोल्टेज सोर्स हो हम उसको एक वोल्टेज सोर्स VTH में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी DC सर्किट को, ओके। तो हमारा ये क्या आ गया, ये A और ये B, ठीक। यहाँ पे R है लगा हुआ है और ये करंट I फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे डाटा दिया हुआ है, डाटा इसीलिए दिया हुआ है ताकि हम RTH और VTH निकाल सके, ठीक। तो देखिए पहला कंडीशन क्या है, जब यहाँ पे R की वैल्यू 10 ओम है तो करंट कितना फ्लो कर रहा है, 2 एम्पियर, ठीक। तो 2 एम्पियर इज इक्वल्स टू VTH बाई RTH प्लस कितना ओम का रेजिस्टेंस है, जब 10 ओम का रेजिस्टेंस तो करंट कितना फ्लो हो रहा है, 2 ओम, ठीक। तो एक इक्वेशन बनेगी, यहां से मल्टीप्लाई करिए, 2RTH प्लस 20 इज इक्वल्स टू VTH, ये हमारा कितना पैक है, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। फिर दूसरा डाटा दिया हुआ है कि जब यहां पे 20 ओम का रेजिस्टेंस है तो यहां पे करंट कितना फ्लो कर रहा है, 1.5 एम्पीयर, ठीक। तो एक इक्वेशन बनेगी, 1.5 इज इक्वल्स टू VTH। आप देखिए RTH और VTH जो है लोड रेजिस्टेंस में बदलता नहीं है, ये मत सोचिए कि जब 20 ओम का रेजिस्टेंस लगा देंगे तो ये चेंज हो जाएगा, ये तो कॉस्ट, ये इंडिपेंडेंट ऑफ लोड रेजिस्टेंस होता है, ठीक। यही एडवांटेज है थेवेनिन सर्किट में, ठीक। तो 1.5 इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, जब 20 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो 1.5 करंट फ्लो कर रहा है, ठीक। तो RTH प्लस 20 ओम, तो इस यहां से एक और इक्वेशन मिलेगी हमें, 1.5 RTH, 20 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा, प्लस 30, ठीक, इज इक्वल्स टू VTH, ओके, ठीक ना। तो दो वेरिएबल है, इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सेपरेट करिए इन दोनों से, तो कितना जाएगा, सेपरेट करेंगे तो 2RTH माइनस 1.5 क्या जाएगा, 0.5 RTH, इसको माइनस करिए, 20 माइनस माइनस 10, 20 माइनस 30, ये क्या हो जाएगा, VTH कैंसिल, 0। तो RTH की वैल्यू कितनी आ गई, 10 डिवाइड बाई 0.5 20, ठीक। RTH की वैल्यू हमारी निकल गई 20 ओम, तो VTH की वैल्यू निकाल लीजिए, VTH की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से पुट करिए, RTH की वैल्यू कितनी है, 20, तो यहाँ पुट करिए 20 इंटू 20, 20 इंटू 2 40 प्लस 20, तो VTH की वैल्यू कितनी आ गई, 20 प्लस 40 60 वोल्ट, ठीक। तो हमारा VTH कितना आ गया, 60 वोल्ट, ये कितना आ गया, 20 ओम, ठीक। अब बोल रहा है कि जब इसमें करंट फ्लो हो रहा है I इज इक्वल टू 0.6, ठीक,
तो ये R की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, वो पूछ रहा है। अगर सर्किट में 0.6 एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा है तो इसकी R की वैल्यू निकालनी है, तो अब तो कोई बिग डील नहीं है, फट से कैलकुलेट कर लीजिए इसको। चलिए करंट कितना फ्लो हो रहा है, 0.6 एम्पीयर, ओके। तो VTH कितना है, 60 डिवाइड बाई 20 प्लस आर, ओके। तो ये कितना आ जाएगा, 20 × 0.6 12 प्लस 0.6 R इज इक्वल टू 60, ठीक। तो 0.6 R इसको इधर ले जाइए, कितना आ जाएगा, 60 48, ठीक। R की वैल्यू कितनी हो गई, 48 डिवाइड बाई 0.6, ठीक। तो 6 × 10 R की वैल्यू कितनी आ गई, 80 ओम, ठीक। तो R की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 80 ओम, ठीक। जब 80 ओम इसमें इस यहाँ पर जब 80 ओम होगा तो करंट कितना फ्लो करेगा, 0.6 एम्पीयर, ओके। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम नॉर्टन थ्योरम एक्सप्लेन करेंगे। चलिए थैंक यू।